नमस्कार दोस्तों, आज फिर दोस्तों मैं एक नई वीडियो के साथ में हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। दोस्तों आपने महाभारत में मामाश्री शकुनी को तो देखा होगा और उसमें उसका रोल क्या है इसके बारे में आपने उसको अच्छी तरह मनन भी किया होगा, क्योंकि जो पूरी महाभारत में है उसमें मामाश्री शकुनी का एक महान अहम रोल है और उसी रोल के तहत ये महाभारत ने जितनी भी ये हुई है उसी की ही महाभारत में मामाश्री शकुनी की देन है। दोस्तों जब बचपन में ये महाभारत देखी थी तो मेरे को ये लगता था कि मामाश्री शकुनी में इसमें ऐसा क्या रोल होगा कि जिसके कारण इतनी महाभारत हुई है, क्योंकि उसने तो सिर्फ अपनी बातें किसी के सामने रखी थी मामाश्री शकुनी की, क्योंकि उसका जो भैंजा था दुर्योधन उसी के सामने उसने वो बातें रखी थी, लेकिन उसके बाद में इतनी बातें इतने जो पूरा महाभारत है वो ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों उस टाइम तो वो बचपन की बातें थी तो उसी टाइम बचपन में निकल गई, लेकिन दोस्तों आज एक ऐसी कंडीशन चल रही है कि वो मामाश्री शकुनी याद आता है, क्योंकि जो वो मामाश्री शकुनी उस टाइम में जो हर जैसे उस युग में कृष्ण भगवान उधर अपने अर्जुन करण जो बड़े बड़े महान योद्धा बड़े बड़े महान ज्ञानी उसी टाइम वो महाभारत करा सकता था, तो आज भी मैंने एक ऐसा शकुनी देखा है जो उसी की तरह अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ महाभारत की तरह उसने भी वो ही करवा के छोड़ दी। लेकिन अब इसमें दोस्तों मेन अहम रोल होता है कि ये शकुनी के जितने भी ये उसके कांटे हैं या उसके तीर हैं या उसके जो कहना चाहता है वो होता कैसे है। भाई अपन भी आपकी तरह ही इंसान है, मामाश्री शकुनी भी इंसान है, लेकिन उनकी ये हर आदमी मानता क्यों है, क्योंकि शकुनी का काम में सिर्फ गलत राय देना था, लेकिन डिपेंड है कि वो उसकी वो जो बातें वो दुनिया मानती कैसे थी, क्योंकि उसका तो भैंजा दुर्योधन था उसी की वो बातें मानता था। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो शकुनी टाइप का आज की दुनिया में भी जो भी कोई आपके आसपास में या मेरे आसपास में जो रोल करता है उसका काम भी यही होता है कि अपने स्वार्थ के लिए एक छोटे से स्वार्थ के लिए आदमी अगले का बहुत बड़ा नुकसान कर देगा, और वो अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किधर भी बैठ सकता है, उसकी वो उसके लिए ये मायना नहीं रखता कि आप उसके कितने दुश्मन हो, बस उसका स्वार्थ चाहिए। अगर आप उसको पता है कि मेरे को इससे इतना स्वार्थ निकल जाएगा तो वो हो सकता है वो अपने घर वालों को भी लात मार दे, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। दोस्तों उसको अपने स्वार्थ के अलावा दुनिया में किसी से कुछ भी मतलब नहीं होता है। और दोस्तों इसमें मेन खास बात यह होती है जो मामाश्री शकुनी के जो ये इंसान होते हैं जो एक दूसरे को लड़ाते हैं अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ भी काम करते हैं, उनमें दोस्तों खास बात यह है कि उनकी आप उनके साथ में कुछ टाइम रह गए तो उनकी हर इंसान बातें मानने लग जाता है। इनमें मेन खूबी यही होती है, आपने महाभारत में देखा होगा कि दुर्योधन मामाश्री शकुनी की हर बात मानता था और उसके मानने के कारण ये पूरी महाभारत हुई। अगर शायद वो मामाश्री शकुनी की बातें नहीं मानता तो ये आज इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती, और यही कारण है कि आपके जो भी लोकल में जो भी इंसान होते हैं उनकी बात मानते हैं, सब मानते हैं, पता नहीं उनमें ये क्या कारनामा होता है कि जबकि उनको पता भी है कि ये राय गलत देता है और इससे नुकसान भी कराएगा, इससे अपने फायदे के अलावा कुछ नहीं काम करता है, फिर भी पता नहीं उनमें ये क्या चीज़ होती है कि हर इंसान उनकी बातें मानने में मजबूर हो जाता है। और इसके अलावा खास बात ये होती है कि आप उनके साथ कुछ दिन रहिए, कुछ टाइम अपना टाइम व्यतीत करें, ऑटोमेटिक आपका उनका प्रभाव आपके ऊपर होने लग जाएगा, फिर आप गलत और सही में कुछ भी फैसला नहीं कर पाओगे कि क्या चीज़ गलत है क्या सही है, आप हमेशा यही सोचोगे जो ये कहता है वही सही है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है, चाहे उसमें आपका नुकसान हो चाहे कुछ भी हो। इसी तरह से क्योंकि दोस्तों ये जो मेरा नॉलेज है पिछली बार महाभारत में, और एक मैंने भी एक ऐसा एक शकुनी टाइप का इंसान है
उसका भी यही काम होता है कि अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी कुछ भी कर सकता है। और सेकंड बात ये भी है कि अगर आपके किसी से उससे लड़ाई है तो वो क्या करेगा, अपने स्वार्थ के खातिर आपसे मिल भी जाएगा, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे इससे कितने एंटी है, उससे ऐसा कोई मतलब नहीं, उसके अपने स्वार्थ के अलावा कुछ भी नहीं मतलब है। यही इन मामाशी सकुनी में ख़ास बात होती है। सेकंड बात यह है कि इनके जो प्रभाव में आ गया वो इनकी बात भी मानते हैं, और जिनको लगता है कि ये इनके विपक्ष में होते हैं, इनकी बात नहीं मानते, तो वो लोग क्या करते हैं, आपसे दूर भी हट जाएंगे। ये उन्हीं के ऊपर अपना जो काटी चलाते हैं, जो कि आप उनके प्रभाव में आते हैं या आप उनकी बात में आ जाते हैं। तो दोस्तों आप भी देखना अपने आसपास में कितने मामा श्री शकुनी यार, वो कितने का क्या नुकसान कराते हैं। और आप देखना इनमें यही खासियत बात होगी कि इन आदमियों का अधिकतर, हर आदमी अधिकतर जो इनकी बातें मानता है वो उन्हीं के साथ में रहते हैं, जो इनके विपक्ष में जाता है वो उनको साथ छोड़ देते हैं। और हमेशा ये चाहते हैं कि कभी भी कुछ भी अपन को वो टाइम मिल जाए तो अपन उनका लॉस कभी भी कर दें। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जितने भी मामा श्री के रोल करते हैं, आप इनके प्रभाव में कम आए, और जो ये बातें कहते हैं आप उनको अपने बेस पे पहले खुद तोलें कि जो इनके कहने की बात सही है या गलत है, इनके बातों में कितना दम है कितना नहीं है दम, क्योंकि इनका प्रभाव इतना तेज़ होता है कि इंसान गलत और सही का फैसला नहीं कर पाता है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं एक सिर्फ वीडियो मजाक के लिए बनाऊँ, तो दोस्तों एक बार कंप्रोमाइज़, एक बार आप अपने आपको आसपास में लगे ऐसा कोई लगे तो आप उनको मेरी बातों से एक बार तोलना कि अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं और किससे अपना स्वार्थ निकल जाते हैं, उसको अपना कैसे दोस्त बना लेते हैं। इनको स्वार्थ के अलावा कोई किसी से मतलब नहीं है, और ये हमेशा यही चाहते हैं कि एक दूसरा इंसान एक दूसरे से लड़ता रहे। ये एक रियल प्रैक्टिकल है, और अगर आप इस चीज़ से सहमत हो या नहीं हो तो एक बार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और मैं आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर पढ़ूंगा, और मैं मेरा राय फिर भी आपके सामने रखूंगा।